तो आज का व्लॉग मैं बिल्कुल शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपने सुन ही लिया होगा कीवी का हैप्पी दशहरा गाइस बोल रही है। तो बस आज हम लोग भी जा रहे हैं, देखते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं है ऐसे दशहरा वशहरा का मेला वेला, बट ऐसे घूमने निकले शाम को। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ व्लॉग ही शेयर कर लेती हूँ। और क्या बोलूँगी आपको, हस्बैंड पतिदेव हस्बैंड हस्बैंड ये है मेरे हस और बैंड, हंसते हंसते बैंड बजाते हैं ये। क्या हंस हंस के जैसे बैंड कर देती तो ये है अंधेरे में भी चमकने वाले इंसान। देखो आप अभी लाइट में लाइट नहीं है और ये कितने लाइट मार रहे हैं। नहाए भी नहीं आज, आज ये नहाए भी नहीं। वो तो मैंने पहले भी बता रखा, आप संडे को भैया आराम करते हो। संडे मतलब छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन अंकित बहुत रेस्ट करते हैं, वो नहाते भी नहीं है। ये उनका नियम है, नियम क्या उनका उसूल है ये। क्यों अंकित गजब बेइज्जती है। कीवी घर वापस चले बेटे? नहीं। क्यों? चलते हैं बेटे, ट्रैफिक हो रहा। नहीं ना। इसी बच्चे की वजह से आना पड़ता है हमको, इसी बच्चे की वजह से आना पड़ता है। नहीं जा रहा मैं घर में, नहीं जाना है। नहीं जाना, चलते हैं बेटे, कल आएंगे। अच्छा ठीक है, दशहरा चलना है। क्या होता है दशहरा में? क्या होता है बेटे? आपको पता नहीं था कल देहरादून में मेला लगने वाला है? हैं? ये किसने बताया आपको? हाँ जी, इसको देखना क्या बोल रही है, कल देहरादून में मेला लगने वाला है। आपको किसने बताया कि ये कि कल देहरादून में मेला लगने वाला है? वान्या की मम्मा आपके लिए फोन किया था, वान्या की मम्मा ने। तो आपके पास तो फोन नहीं है, तो कौन से फोन पे फोन किया था वान्या की मम्मा ने? देख रहे हो अपने भाई फोन में। मैं सोच रही पीछे वाले रास्ते चलो यार, उनके सीधे जुड़ी हुई चलते हैं। तो मेरा लायक तो कंडीशन लग नहीं रही है, तो हमें लग रहा है कि हम चले जुड़ियों। पापा तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक मतलब ये कीवी की वजह से हम लोग को आना पड़ रहा है यहाँ पे। एक आदमी ना हमारी गाड़ी के आगे ऐसे नॉर्मली चल रहा था, और वो तो थोड़ा सा गैप था, हम कितने बहुत स्लो कर रखी थी गाड़ी, बहुत धीमे कर रखी थी, पर वो ना मतलब ऐसे ही जैसे चलते चलते ना वो गिर गया, उसके चोट वोट लग गई। मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई, मैंने थोड़ी सी बनाई क्योंकि मुझे डर लग गया था, पर गैप था थोड़ा सा। और इतना पिपरे पपरे भाई, कि भी चले यार घर बेटे। नहीं। कहाँ जाना है? ये बच्चा आप देख रहे हो जो इसमें बैठे हुए ई रिक्शा में, बेचारे इतने खुश हो रहे ना बाय, इतने खुश हो रहे ना बीवी को देख करके, इतना खुश हो रहे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जूडियो चले गए थे क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ थी। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर हुई तो यहाँ पे ये कुछ स्वेटर्स रखी हुई थी, बेबी पिंक कलर की, मिंट ग्रीन कलर की, नियॉन ग्रीन कलर की। ये नियॉन ग्रीन कलर वाली स्वेटर मैंने भी ली, बहुत सुंदर लग रही थी, और इनका प्राइस था 799 प्राइस में ये थी, और काफ़ी सॉफ्ट स्टफ था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और काफ़ी स्वेटर्स तो काफ़ी थी। उसके बाद यहाँ पे ये स्वेट शर्ट थे, ये भी 599 के थे, और अच्छा क्वालिटी था, कॉटन अच्छा था, मतलब इनका भी स्टफ तो ये 599 में थे, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। फिर यहाँ पे ये हुड्स थे, ये लॉन्ग वाले हुडीज़ थे, ये भी 599 में ये थे, इसमें काफ़ी कलर्स थे। फिर ये इस तरह के लॉन्ग वाले शर्ट थे, अभी जो मैंने दिखाए थे उनसे थोड़े अलग वाले थे, ये भी 599 के थे,
और इनमें सारे ही साइज अवेलेबल थे, काफ़ी सुंदर सुंदर कलर्स भी इनमें लगे हुए थे। और ये भी कुछ स्वेटर्स थी, ये भी 799 में थी, जो मैंने फर्स्ट में दिखाई आपको उसी तरह से थी, लेकिन थोड़ा सा इनका नेक का डिज़ाइन अलग था और बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छे कलर्स में थी, लाइट कलर में थी, एकदम पर्पल और ये क्रीम कलर और इस तरह से थी। फिर यहाँ पे क्रॉप वाले शर्ट शर्ट जो होते हैं आप इन्हें हाई वेस्ट के साथ में भी पहन सकते हो, तो ये भी कुछ 699 में थे, काफ़ी सुंदर सुंदर थे और अलग अलग स्टाइल के थे। नीचे से किसी में कट लगा हुआ था, कुछ आगे जिप वाली थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी ये भी। ये हुडीज थी, ये भी 699 में ही थी। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स वगैरह, तो काफ़ी सारे कलर्स में ये अवेलेबल थे यहाँ पे। और यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, जैसे स्कीवी टाइप में होती है ना, वो ही थी, स्कीवी थी ये भी। बहुत सुंदर लग रही थी, जैकेट के अंदर से आप पहन सकते हो। 699 में थी और काफ़ी सारे कलर्स इनमें थे, तो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। दूसरा यहाँ पे ये क्रॉप टॉप्स वगैरह भी थे, थोड़े डिज़ाइन वाले, ये ग्रे और वाइट कलर के, बहुत सुंदर लग रहे थे ये भी। ये सारा कुछ था। और इतने में ना यहाँ पे मेरी बेटी ने यहाँ से एक लिपस्टिक निकाला और यहाँ पे अपने फेस पे लिपस्टिक लगाने लग गई। तो बस इनका आप देख सकते हो, इनके नेल पेंट्स वगैरह, लिपस्टिक के भी काफ़ी कुछ थे। बस मैंने भी एक स्वेटर खरीदी, उसके बाद हम लोग यहाँ से घर के लिए चले गए थे, इतना ही था। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए आ गए थे। हमारा रहता है सैटरडे संडे बाहर हम लोग डिनर करते ही हैं, जब से कीवी भी बाहर का फूड इन्जॉय करने वाली भी है, तो वंस इन अ वीक इसको हम लोग इन्जॉय करवाते हैं। और दूसरा मैं ये कह रही थी, व्लॉग काफ़ी पहले का है, मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब आज मंडे को और ट्यूसडे को मैं इसे अपलोड करूँगी। मेरे पास सच में टाइम नहीं मिल पाता है एडिटिंग का, काफ़ी सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं। दूसरा मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे ड्राई कफ बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया था, तो उस वजह से भी मुझे बार बार मेरा गला लग रहा था। मुझे लग रहा था नहीं, मैं मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी करने का, बट मैं अब आगे से कोशिश करूँगी कि मैं ये सब अपने व्लॉग्स अपडेट करूं। और बस यहाँ पे फूड आ गया था, मुझे सच में अपना खाना दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सच में सच बता रही हूँ। बट वो ये है कि ये व्लॉगिंग का एक पार्ट होता है, अगर आप यूट्यूब में हो और आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो उसका भी एक पार्ट ये है, इस वजह से अपना फूड भी इसमें दिखाना पड़ जाता है कि हमने क्या खाया क्या नहीं। अदरवाइज़ मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाना दिखाना। घर में अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसकी अलग बात है, पर बाहर जाके कि हमने ये मंगवाया वो मंगवाया, मुझे सच में दिल से अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, मैं जब अंकित से बोलती हूँ, डिस्कस करती हूँ, तो वो कहते हैं कि देख तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो तो कुछ चीज़ें जो हैं जो अच्छी लगती हैं, आप दिखाते हो कहाँ का फूड क्या है क्या नहीं है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कभी भी बिल्कुल लो होती हूँ ना, तो अंकित उस टाइम पर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर लेते हैं, समझा लेते हैं। तो यही था व्लॉग, और बस अब हमने यहाँ पे अपना डिनर वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैं घर के लिए यहाँ पे निकल गई थी। तो गाइज यही था आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत कुछ तो नहीं था, 2 दिन का व्लॉग ही मैं ऐसा शायद ऐड करूंगी, अभी एक दिन पहले का भी या जैसे भी होगा। और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा यार, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। और बाकी व्यूज़ भी मैं देख रही हूँ इस टाइम पे थोड़े से कम हो गए हैं, उसका रीज़न बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि क्यों ऐसा हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगी अभी आगे कुछ दिन और के बाद कि व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो अब मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।